मेन रोड है और मेन रोड हम तो सोच रहे थे कि मेन रोड बहुत आगे तक जाएगा, पर ये तो यहीं पर आकर ख़त्म हो गया। अब आगे मेन रोड बिल्कुल बंद है, ये देखिएगा मेन रोड बिल्कुल बंद है और यहाँ से एक कच्चा रास्ता शुरू हुआ है, कच्चा रास्ता शुरू है और ये अभी बना भी नहीं है। और मैं आपको यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड को दिखाऊंगा। ये बोर्ड देखिएगा आप, एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, ये है स्वीकृत वर्ष है, इस पर लिखा हुआ 2018-19 विकास खंड नरेंद्र नगर, माननीय विधायक श्री सुबोध उनियाल जी, कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार की निधि से निर्मित योजना का नाम, कोडाना के अंतर्गत मुख्य सड़क से भेड़ा खर्क तक चीप मार्ग निर्माण, 5 लाख रुपए योजना की लागत। और ये जो लगा हुआ है बोर्ड, अब ये देखिएगा कि ये जो सड़क बन रही है ये जीप मार्ग निर्माण हो रहा है, ये देखिएगा ये दिखाई दिया है। अब ये बना है, ये किस हालत में है इसकी हालत को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा ये है रास्ता। हो सकता है कि ये जीप मार्ग निर्माण इसी तरह होता हो, क्योंकि मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ये एक पक्की सड़क होगी और ये पक्की सड़क ऊपर कहीं भेड़ा खर्क तक जाएगी, पर ये 5 लाख रुपए जो स्वीकृति मिली है उससे मुझे लगता है कि ये रास्ता बना होगा, तो ये मार्ग ही बना होगा, सड़क तो नहीं बनी होगी। ये देखिएगा ये हालत है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कोडाना से भेड़ा खरक जाने वाले मार्ग की, ये देखिएगा। और ये बहुत दूर नहीं है, ये टिहरी गढ़वाल का जो जिला मुख्यालय वहां से दूर हो सकता है, पर देहरादून जिला मुख्यालय से बिल्कुल भी दूर नहीं है। और ये देहरादून जिला मुख्यालय मतलब राजधानी से बिल्कुल भी दूर नहीं है। ये देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता है, अब ये ऐसी रास्ता होगा, ये जोखिम भरा ही रास्ता होगा। मैं यहाँ से वापस लौटूंगा, मुझे किसी और गांव की तरफ जाना है। ये तो मुझे, मैं भटकते हुए यहाँ पहुँच गया और मुझे ये दिखाई दे गया, देखिएगा। हमें तो गांव की तरफ चलना है सर, पहाड़ों की ओर बढ़ना है, हौसलों को मजबूत रखना है, देखा जाएगा आगे क्या। एक और पत्थर हमें दिखाई दिया है जो ये बताता है कि जीप रोड निर्माण हो रहा है, 17-18 का ये पत्थर है, 3 लाख रुपए लागत, इस पर लिखा है योजना का नाम कोडाना से, योजना का नाम कोडाना में भक्तियाना से कुमार वाला की धार तक जीप रोड निर्माण, 2017-18 का पत्थर है, सड़क कब बनेगी नहीं पता, यही जीप रोड निर्माण है, शायद इसी को सड़क बोलते हों, मैं तो जो देख रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। हालत ये है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये हालत देखिएगा आप, पूरी रोड की हालत देखिएगा, मैं आपको पूरी हालत दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ मोटरसाइकिल चल सकती है, स्कूटी चल सकती है, जीप चल सकती है, पर उन लोगों का क्या जिनको ये गाड़ियाँ चलानी ही नहीं आती। यहाँ लोगों का कहना है कि अगर ये रास्ता सड़क में तब्दील हो जाए तो आगे आगराखाल से जुड़ जाएगा, लोग यहाँ से चलने लग जाएंगे, परिवहन की सुविधा मिल जाएगी और अच्छा रहेगा, और जिस गाँव से मैं आ रहा हूँ वहाँ पर फिर से बसावट होने लगेगी, ये लोगों का कहना है। जो लोगों ने कहा वो मैंने आपको दिखा दिया, वो मैंने आपको बता दिया। कोडाना में तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये सड़क पहुंच रही है वहां तक। अजय भी कहां पहुंच रही है साहब, ये रास्ता, आप जिस रास्ते ये रास्ता है कोई, आप बाइक में आए कहीं पे आए? पैदल आए तो कोई रास्ता है, वो सड़क जो बनी है कोई आने लायक है वो? और कोई बाइक में आ जाए खुदा ना खास, वो तो एक रिस्क वाली बात है। अब ऐसी रोड बना के क्या करना चाहिए? 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर, अगर हम जो वजह से बुजुर्ग, हम तो नहीं चलाने जाते ना कोई गाड़ी वोड़ी, मैं भी नहीं जानता भाई, हम तो पैदल ही जाएंगे ना, हम तो बहुत कुछ जाएंगे, कुड़ाने जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे।